पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम प्राणाचार्य चरक। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्राचीन भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद के दो वर्ग हैं, शल्य चिकित्सा एवं काया चिकित्सा। भारत में अनेक महान आयुर्वेदाचार्य हुए हैं, जिनमें चरक का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। इनके जीवन परिचय के विषय में इतिहास लगभग मौन है। इनके परिचय के बारे में आज जो भी सूत्र मिलते हैं, वे इनके अनुयायियों द्वारा लिखे गए वर्णन पर ही आधारित हैं। उसी के आधार पर विद्वानों का मत है कि महर्षि चरक का जन्म कश्मीर में हुआ था। इनके पिता का नाम वेद वेदांगी बताया जाता है, जो अपने समय के प्रसिद्ध वेद शास्त्री थे। ये बचपन से ही जड़ी बूटियों और रोगों के निदान में बहुत रुचि रखते थे। एक दिन बकरी को कब से मे किए जा रही है, चुपचाप घास क्यों नहीं खाती? अरे चरक, तुझे इसकी मे से क्या परेशानी है? तू तो बस इन फूलों पत्तियों को सूंघता और चखता रहे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि तू आखिर करता क्या रहता है। अरे वो तेरी आयु के और भी तो बालक हैं, उनके साथ खेलता कूदता क्यों नहीं? अरे भाई, प्रश्न पर प्रश्न ही करते जाओगे या सांस भी लोगे? अच्छा सुनो, पहले मैं तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ। वो ये कि बकरी इतनी जोर से मेमे कर रही है, इसके शोर से ध्यान भंग होता है और कानों पर बुरा असर पड़ता है। हाँ? और धीरे धीरे कुछ समय बाद आदमी बहरा भी हो सकता है। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, लगातार तेज और कर्कश ध्वनियाँ कानों के पर्दे को कंपित करती हैं। यदि आवाज बहुत तेज हो तो पर्दा फट भी सकता है। अच्छा, अरे अब क्या हुआ, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही है? मित्र चरक, देखो तो इसके मुंह से तो झाग निकल रही है। क्या कहा, झाग निकल रही है? हाँ। अरे वास्तव में तुम ठीक ही कह रहे हो, आओ देखते हैं कि इसे क्या हुआ है। हाँ। मित्र सुनंद। हाँ? ये तो मर गई है। लेकिन अचानक घास खाते खाते ये कैसे मर गई? यहाँ तो कोई सांप बिच्छू जैसा जहरीला जीव जंतु भी नहीं दिख रहा। जहरीला जीव जंतु, मैं समझ गया। ये देखो, इस घास के बीच में कुछ गहरे हरे रंग की घास को देखो। ये अवश्य ही जहरीली है मित्र। इसको खाने से ही इस बकरी की मृत्यु हुई है। मित्र, भला घास भी कभी जहरीली होती है? हाँ मित्र, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे पिताश्री ने मुझे बताया था कि कुछ खास जहरीली होती है। तुम्हें विश्वास नहीं होता? तो बकरी के मुंह पर लगी घास को देखो, पीछे कहीं भी ऐसी घास नहीं है, केवल इसी स्थान पर है। इसी कारण पीछे घास खाने पर बकरी को कुछ नहीं हुआ, जबकि यहाँ की घास खाने पर इसकी मृत्यु हो गई। हाँ मित्र, तुम ठीक ही कहते हो, वास्तव में ऐसा ही लगता है। क्षमा करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे नहीं मित्र,
मित्रता में क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं होती। वैसे भी तुमने कोई गलत बात नहीं कही। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो मैं भी ऐसा ही सोचता। बस एक प्रार्थना है, जरा इस बकरी को उठवाने में मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। मैं घर पर जाकर इसकी जांच करूंगा और साथ ही इस घास की भी, कि इसमें कैसा और कितना तेज जहर है। ध्यान से। पिता की शिक्षा और स्वयं जानने सीखने की इच्छा के कारण ही चरक का ज्ञान बढ़ता गया। आयुर्वेद के विभिन्न आयाम, योग, शरीर परीक्षा आदि विषयों के ज्ञान में वे अपने साथी विद्यार्थियों में सबसे आगे रहते थे। शिष्यों, आज आपके सामने फिर से एक मृत शरीर लाया गया है। इस व्यक्ति की मृत्यु अभी कुछ ही देर पहले हुई है। मैं तुम सबको मनुष्य के शरीर के सभी अंगों के विषय में अच्छी तरह सिखा चुका हूं। अब तुम सब एक एक करके इसकी परीक्षा करोगे और मुझे बताओगे कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। चलो एक एक करके परीक्षा करो। जी जी गुरुजी। गुरुजी, इसकी मृत्यु तो स्वाभाविक रूप से हुई है। गलत। इसीलिए कहता हूं कि जब समझाता हूं तो ध्यान दिया करो। जी। जाओ अपने स्थान पर जाकर बैठो। जी जी। गुरुजी, शायद इसकी सांस की नली फट गई है और इसीलिए ये दम घुटने से मर गया है। हाँ, तुम कुछ थोड़ा सा ठीक कह रहे हो। जी, इसकी मृत्यु सांस घुटने से हुई प्रतीत होती है, किंतु तुमने जो कारण बताया वो ठीक नहीं है। चरक। जी गुरुदेव। जरा तुम जांच करके बताओ तो कि इसकी मृत्यु का कारण क्या है। जो आज्ञा गुरुदेव। अब इसकी ठीक से जांच करता हूं। अरे ये तो जिंदा है। गुरुदेव। गुरुदेव, ये आदमी तो जिंदा है। क्या कह रहे हो चरक। हाँ, मरा हुआ आदमी भला जिंदा कैसे हो सकता है। ठीक से परीक्षा करो। मैं ठीक कह रहा हूँ गुरुदेव। ये आदमी 100% जिंदा है। क्योंकि इसके हृदय में अभी भी स्पंदन है। स्पंदन है। हाँ गुरुदेव, इसे अवश्य ही कोई सदमा लगा है अथवा हृदय के कोष्ठ बंद हो गए हैं। इस कारण इसकी सांस बंद हो गई और सबने सोच लिया कि यह मर गया है, किंतु गुरुदेव इसे अभी भी ठीक किया जा सकता है। ठीक किया जा सकता है, वो कैसे। गुरुदेव, कुछ वर्ष पहले मुझे जहरीली घास की एक प्रजाति मिली थी। मैंने उसके जहर पर कुछ अनुसंधान किया और एक दवा तैयार की है। अच्छा। उसके प्रयोग से रक्त संचार तेज होता है गुरुदेव, जिससे हृदय के बंद कोष्ठ भी खुल जाते हैं। क्या कह रहे हो, तुमने जहर से दवा बनाई है। जी गुरुदेव, किंतु अभी तक मैं उसका प्रयोग नहीं कर सका हूँ गुरुदेव। तो चरक, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें उस दवा का प्रयोग करने की अनुमति देता हूँ। अच्छा। तुम इस आदमी पर अपनी दवा का प्रयोग कर सकते हो। वैसे भी हमारे लिए तो ये मर ही गया है। हो सकता है तुम्हारी दवा के प्रयोग से कुछ लाभ ही हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ऐसे ही किसी अवसर के लिए मैंने ये दवा अपने पास रखी थी। आप देखिएगा गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से कुछ ही पलों में ये व्यक्ति उठ खड़ा होगा। हाँ गुरुदेव।
अब मैं अपनी दवा का इस पर प्रयोग करता हूँ। हाँ, बोतल खोलता हूँ। होश में आ रहा है, ये ठीक हो जाएगा। हाँ, ये अवश्य ठीक हो जाएगा। अरे ये तो उठ गया। नहीं भाई, जीवित हो गया। चलिए, अद्भुत कार्य किया है। अद्भुत हो जाए गुरुदेव। शिष्यों, शिष्यों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आज हम सब ने वो देखा जिसे हम केवल कहानियों में सुनते आए थे। चरक जी, चरक, तुम तो विलक्षण हो। आज तुमने चमत्कार कर दिखाया है। एक एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर देना चमत्कार ही तो है। इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है। ये आदमी तो मरा ही नहीं था। क्या कह रहे हो? इसलिए इसे जिंदा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। चरक, चरक, तुम ठीक कहते हो, किंतु सच तो ये है कि हम सब ने इसे मरा हुआ मान लिया था। यदि तुमने इसे अपनी खोजी हुई दवा नहीं दी होती तो ये जीवित नहीं हो पाता। गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। क्षमा करें, मैं यहाँ क्यों हूँ? कौन मुझे यहाँ लाया है? पहले ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या था? मैं तो अपने घर पर था। हाँ। अचानक मुझे अपनी छाती में पीड़ा का अनुभव हुआ। हाँ। और मैं वहीं बैठ गया। अच्छा। फिर मुझे होश नहीं रहा और अब होश आया तो मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हें इस तरह गिरा देखकर तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें मरा हुआ मान लिया था। हा? मैं परीक्षा करने के लिए तुम्हें यहाँ ले आया था। तो आपने मुझे ठीक किया है। नहीं 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 नहीं, दूसरे लोगों की तरह ही मैंने भी तुम्हें मरा हुआ ही मान लिया था। हा? ये तो भला हो चरक का, जिसके कारण तुम जिंदा बच सके। इसी की दवा के कारण तुम्हें नया जीवन मिला है। धन्यवाद, धन्यवाद। पुत्र चरक, गुरुदेव, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा नाम आयुर्वेद के आकाश में सूर्य की तरह चमकता रहेगा। हाँ, चमकता रहेगा, चमकता रहेगा। धन्यवाद गुरुदेव। और वास्तव में गुरुजी का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। बालक चरक बड़ा होकर संपूर्ण भारत में आयुर्वेद का महान आचार्य कहलाया और महर्षि चरक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चरक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों के रोगों का इलाज करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि उनका मूल नाम चरक नहीं था, बल्कि जगह जगह भ्रमण करके आयुर्वेद का प्रचार करने के कारण ही उनका नाम चरक पड़ गया, क्योंकि चर का अर्थ होता है चलना। इनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि उत्तर भारत के प्रसिद्ध शासक कनिष्क ने इन्हें अपने दरबार में राजवैद्य का स्थान प्रदान किया।
महर्षि चरक पधारे हैं। महर्षि चरक, उन्हें आदर सहित भीतर ले आओ। जी महाराज। आइए महर्षि चरक, कनिष्क का प्रणाम स्वीकार। प्रणाम महाराज कनिष्क, कहिए मुझे कैसे याद किया? महर्षि, आपका नाम तो संपूर्ण भारतवर्ष के आकाश में चमक रहा है। हमने भी आपकी कीर्ति के बारे में सुना है। आप आयुर्वेद के भगवान माने जाते हैं। महाराज, यदि मुझे भी कुछ ज्ञान प्रदान कर सकें तो आपका आभार मानूंगा। कहिए महाराज, आप क्या जानना चाहते हैं? महर्षि, पहले तो अपनी पुस्तक चरक संहिता के विषय में बताएं। जी महाराज, अवश्य। चरक संहिता में 8 खंड हैं। 8 खंड? जी। पहला खंड सूत्र स्थान। अच्छा। दूसरा खंड निदान स्थान। तीसरा खंड विमान स्थान। बहुत अच्छा। चौथा खंड शरीर स्थान। उत्तम। पांचवा खंड इंद्रिय स्थान। छठा खंड चिकित्सा स्थान। सातवां खंड कल्प स्थान। अच्छा। और आठवां खंड सिद्धि स्थान। उत्तम। महाराज, मैंने इनमें औषधि विज्ञान, आहार, पथ्य, प्रमुख रोग व उनके निदान, शारीरिक रचना तथा कुछ विशेष रोगों के उपचार की जानकारी दी है। महर्षि, थोड़ा आयुर्वेद के विषय में भी बताइए। अवश्य महाराज, अवश्य। आयुर्वेद की संपूर्ण संरचना का आधार है हमारे शरीर में उपस्थित 3 दोष। पहला पित्त, दूसरा वायु और तीसरा कफ। अच्छा। शरीर के स्वस्थ रहने के लिए इनमें संतुलन आवश्यक है। इनके बीच असंतुलन से ही शरीर को रोग घेर लेते हैं और असंतुलन का कारण है कुपथ्य। लेकिन कुपथ्य से कैसे बचा जाए? महाराज, ये तो बड़ा ही आसान है। रोगी मनुष्य अपने जीवन से प्रत्येक को शिक्षा देता है कि कुपथ्य मत करो, अन्यथा मेरी ही तरह तुम्हें भी रोग घेर लेंगे और तुम्हें भी मेरी तरह ही कष्ट भोगना पड़ेगा। जो समझदार लोग होते हैं वो उसकी शिक्षा ग्रहण करके सुखी रहते हैं, जबकि मूर्ख लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और रोगी होकर स्वयं भी कष्ट पाते हैं। अतः सभी रोगों से दूर रहने का एक ही उपाय है और वो है सुपथ्य और सदाचारी जीवन। महर्षि चरक, लोगों ने आपके विषय में जो कुछ बताया था वास्तव में आप उससे भी बढ़कर हैं। महाराज, चरक संहिता जैसा ग्रंथ लिखकर आपने मानव समाज की बहुत सेवा की है। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मुझे लगता है कि चरक संहिता के लिखने में मेरा कुछ भी योगदान नहीं है। मैंने तो इसमें कुछ सूत्रों को संजोया भर है। मूल कृति तो महर्षि अग्निवेश द्वारा रचित अग्निवेश संहिता है। अच्छा। जिसे मैंने थोड़ा सा सरल करके लिख दिया है बस। अतः चरक संहिता के सम्मान के सच्चे भागीदार भी ऋषि अग्निवेश ही हैं, मैं नहीं। वाह वाह महर्षि चरक, धन्य हैं आप जो इतना महत्वपूर्ण कार्य करके भी उसका श्रेय नहीं लेना चाहते। महर्षि, यदि आपको कष्ट ना हो महाराज, तो हम आज ही आपको अपने राज्य का राज वैद्य घोषित करते हैं। महाराज, इसमें भला कष्ट कैसा? ये तो मेरा सौभाग्य होगा जो यहाँ की जनता की सेवा करने का मुझे सुअवसर मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि चरक। धन्यवाद।
से उदार थे महर्षि चरक। उनकी इसी विनयशीलता का परिणाम है कि आज उनका नाम और ग्रंथ चरक संहिता को संपूर्ण भारतवर्ष में आदर की दृष्टि से देखा जाता है। ग्रीस के महान चिकित्सा शास्त्री हिप्पोक्रेटस ने भी चरक के वायु पित्त और कफ के त्रिदोषवाद का समर्थन किया था। अब तो विदेशों में भी आयुर्वेद का महत्व समझा जाने लगा है। प्राणाचार्य चरक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध एवं विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख जय प्रकाश विलक्षण, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, राजेश आहुजा, आकाश और आशीष इलाहाबादी, ध्वन्यांकन अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।